नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अगर आपके मन में ऐसा था कि स्नैपड्रैगन 675 और हीलियो G90T में से कौन सा सबसे बेहतर है और क्यों बेहतर है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों प्रोसेसर में से कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है। वैसे आपको शायद ये वीडियो शुरू करने से पहले ये मालूम होगा कि हीलियो G90T क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है, ये ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 675 से बेहतर होगा। लेकिन मैं ऐसा कह दूं कि इस दोनों प्रोसेसर के बीच में उतना भी ज़्यादा परफॉर्मेंस का गैप नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेटॉल चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेटॉल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है वो क्या है। हीलियो G90T बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर और स्नैपड्रैगन 675 बना है 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। ये आर्किटेक्चर नंबर जितना कम होता है वो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा पावर इफिशियंट होता है, तो इस मामले में स्नैपड्रैगन 675 बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का कोर कॉन्फिगुरेशन क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही प्रोसेसर में पहले दो हाई परफॉर्मेंस कोर्स कॉर्टेक्स A76 पर बना है और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्स कॉर्टेक्स A55 पर बनाए। लेकिन हीलियो G90T का जो हाई परफॉर्मेंस कोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी 2.05 गीगाहर्ट्ज और जो लो परफॉर्मेंस कोर्स है उसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज। और स्नैपड्रैगन 675 का हाई परफॉर्मेंस कोर्स का स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्स का स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। मतलब अगर हम स्पीड के मामले में देखते हैं दोनों का जो मैक्सिमम स्पीड वो बिल्कुल सेम है, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी के मामले में हीलियो G90T थोड़ा सा बेहतर है। मतलब कोर कॉन्फ़िगरेशन के मामले में हीलियो G90T बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट, वीडियो इनकोड डिकोड कैपेबिलिटी और कनेक्टिविटी। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही प्रोसेसर में फुल HD प्लस तक का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट करेगा। दोनों में डाउनलोड लिंक में CAT12 डाउनलोड लिंक जो कि 600 Mbps स्पीड देगा और अपलोड लिंक में दोनों में ही CAT13 जो कि 150 Mbps अपलोड स्पीड देगा। और दोनों में ही हम 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में वीडियो एनकोड और डिकोड कर सकते हैं। मतलब इस मामले में दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल सेम है। अगर हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का कैमरा कॉम्पैटिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं हीलियो G90T में मॉडर्न जनरेशन का 48 और 64 मेगापिक्सल कैमरा का सपोर्ट है, लेकिन स्नैपड्रैगन 675 में मैक्सिमम 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट है। इसका मतलब एक ही होता है, फ्यूचर में जब 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा आएगा तो उसमें से किसी न किसी फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन 675 दिखने को ज़रूर मिलेगा और हो सकता है कि 10 से 20,000 के अंदर ही हमें 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा दिख जाए और ये वाला सेंसर हमें दिख जाएगा उसमें। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों का जो डुअल कैमरा कैपेबिलिटी है वो लगभग सेम है, तो कैमरा कॉम्पेटिबिलिटी के मामले में स्नैपड्रैगन 675 बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का रैम कॉन्फ़िगरेशन और फ्रीक्वेंसी क्या है। दोनों प्रोसेसर में डुअल चैनल रैम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हीलियो G90T में फास्टर 2133 मेगाहर्ट्ज रैम इस्तेमाल किया गया है और स्नैपड्रैगन 675 में स्लोअर 1866 मेगाहर्ट्ज रैम इस्तेमाल किया गया है। वैसे स्नैपड्रैगन का एक प्रॉब्लम होता ही है, ये प्रोसेसर के मामले में तो अच्छा होता है लेकिन रैम का ये जो डुअल चैनल ये हमेशा से लो रहता है और मीडियाटेक का फास्ट रहता है। मतलब कह सकते हैं कि रैम स्पीड के मामले में हीलियो G90T बेटर है। तो दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन करने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतर तरीका है अनटू बेंचमार्क स्कोर, गीकबेंच स्कोर, AI स्कोर और GPU। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर के अनटू स्कोर क्या है। मैंने यहाँ पर दोनों प्रोसेसर के अनटू वर्जन 7 का स्कोर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हीलियो G90T अनटू वर्जन 7 में स्कोर किया है 224,000 के आसपास और स्नैपड्रैगन 675 स्कोर किया है 180,000 के आसपास। मतलब अनटू स्कोर के मामले में हीलियो G90T ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस ये बस 40,000 का है। मतलब परफॉर्मेंस का जमीन आसमान का डिफरेंस तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर होगा। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का गीकबेंच स्कोर। जैसे कि आप देख सकते हैं हीलियो G90T सिंगल कोर में स्कोर किया है 2500, वही पर स्नैपड्रैगन 675 सिंगल कोर में स्कोर किया है 2300। तो देख सकते हैं कि सिंगल कोर के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग सेम है और मल्टी कोर में हीलियो G90 स्कोर किया है 7600 और स्नैपड्रैगन 675 स्कोर किया है 6500। मतलब मल्टी कोर में दोनों में डिफरेंस होगा लेकिन सिंगल कोर में दोनों लगभग सेम है। और हम अपने स्मार्टफोन में जो सिंगल कोर उसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मतलब ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करते तो दोनों ही प्रोसेसर लगभग सेम है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का जो GPU स्कोर। जैसे कि आप देख सकते हैं हीलियो G90T में यूज किया गया है माली G76 MC4 GPU और स्नैपड्रैगन 675 में यूज किया गया है एड्रीनो 612। हीलियो G90T का GPU स्कोर है 68,000 और स्नैपड्रैगन 675 का GPU स्कोर है
36,000। आपको याद है जो Antutu स्कोर मैंने बताया था, दोनों के बीच में 40,000 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए जो 30,000 का डिफरेंस दिख रहा है, ये 30,000 आखिर उस 40,000 का ही 30,000 है। मतलब दोनों का मेमोरी सीपीयू लगभग सेम है। ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है बस जीपीयू के मामले में ही डिफरेंस है। तो अगर हम प्योर जीपीयू परफॉर्मेंस की बात करते तो Helio G90T बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का AI स्कोर क्या है। जैसे कि आप देख सकते Helio G90T का AI परफॉर्मेंस स्कोर है 9,300 के आसपास और Snapdragon 675 का AI स्कोर है 8,400 के आसपास। तो AI स्कोर के मामले में Helio G90T ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेसर का स्कोर के बीच उतना भी AI का गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो आजकल के जो स्मार्टफोन जनरली हम खरीदते हैं इनके PUBG गेम प्ले के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं Helio G90T में हम मैक्सिमम HDR मोड और अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ PUBG खेल सकते हैं और Snapdragon 665 में मैक्सिमम HD मोड और हाई फ्रेम रेट के साथ PUBG खेल सकते हैं। लेकिन ये उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो Snapdragon के इस रेंज में लगभग सारे प्रोसेसर में जैसे कि Snapdragon 730G तक भी हम PUBG में मैक्सिमम HD और हाई फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हैं। हमें स्पेशल GFX टूल इस्तेमाल करके उस GPU को अनलॉक करना होता है। अगर हम बेस मोड पे PUBG गेम प्ले की बात करते हैं तो Helio G90T बेटर है। तो अब मैं कंक्लूजन में बताता हूं, Snapdragon 675 और Helio G90T में से ऑब्वियसली Helio G90T बेटर है, नो डाउट। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस दोनों प्रोसेसर के बीच का जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस वो उतना भी ज्यादा नहीं है कि जमीन आसमान हो जाए। इसका मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई स्मार्टफोन है जिसमें Snapdragon 675 है तो उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। आप अगले 1-2 साल तक उस स्मार्टफोन में आसानी से कोई भी हाई परफॉर्मेंस गेम खेल सकते। तो आज का वीडियो यही था, उम्मीद आज का वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।